नमस्कार, मैं अश्विनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम जेड आईआईई द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सामुदायिक सहभागिता से संबंधित जम्मू कश्मीर के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है सजीव कक्षा। हम जानते हैं कि छात्रों के जो माता पिता हैं वो हमेशा उत्सुक रहते हैं कि उनके बच्चे कक्षाओं में क्या करते हैं, वे कितने जागरूक हैं, शिक्षक की बात को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं और उनकी बात का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। माता पिता भी शिक्षक के शिक्षण पैटर्न के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं और कक्षा में दैनिक गतिविधियां कैसी होती हैं इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। इस गतिविधि में इन अभिभावकों को कक्षा संचालन व दैनिक गतिविधियों को देखने का अवसर मिलता है और उन्हें अपने बच्चों की शक्तियों और कमजोरियों को जानने का अवसर मिलता है। इस गतिविधि में शिक्षक माता पिता को फोन कॉल के माध्यम से सूचित करते हैं या छात्रों की जो डायरी है उसमें नोट लिखकर माता पिता को स्कूल में अपने बच्चों की गतिविधियों को देखने के लिए उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। शिक्षक छात्रों के माता पिता की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाते हैं और सप्ताह में एक बार माता पिता को गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। शिक्षक छात्रों के अभिभावकों से यह भी कहते हैं कि अगर वह इस गतिविधि में पूरे दिन का समय नहीं दे सकते हैं तो कम से कम कुछ घंटों का ही समय दें, जिससे कि वो अपने बच्चों के बारे में जान सके। जब अभिभावक विद्यालय आते हैं तो सभी छात्र उनका स्वागत करते हैं और शिक्षक उनको एक उचित स्थान देकर के सम्मान के साथ बिठाते हैं। कक्षा में बैठने के दौरान माता पिता अपने बच्चों की ताकत और कमजोरियों पर ध्यान देते हैं और शिक्षक से मिलकर छात्रों की शिक्षा कैसे बेहतर हो सके उसका समाधान भी निकालते हैं। साथ ही साथ में जब छात्र अभिभावक और शिक्षक के दोनों की निगरानी में रहता है तो उसके अंदर जो भी कमजोरियां होती हैं उसका समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। छात्र अभिभावकों से ये भी कहते हैं कि अगर उनके घर पर और कोई है, अगर वो नहीं आ सकते हैं, जो अभिभावक विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, तो किसी अन्य को वो विद्यालय जरूर भेज दें, जिससे कि उनके बच्चे की जानकारी उनको मिलती रहे और सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं उनका सहयोग बहुत जरूरी है। यह गतिविधि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर के विद्यालयों में कराई जाती है और इस गतिविधि के लिए जरूरी है एक योजना बनाना कि अभिभावकों को कौन सी डेट पे या फिर कौन सी दिनांक पे उनको विद्यालय में बुलाना है। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। ऐसे कई दिलचस्प वीडियो और नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे ZIIEI फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।